ईटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम ईटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। बता दें कि शुक्रवार की सुबह 3 बजे थाना देहात कोतवाली बांदा अंतर्गत भज्जू का पूर्वा निवासी आंगन की लाश सड़क के किनारे पड़ी मिली थी, जिस पर थाना देहात कोतवाल में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। मृतक के बड़े भाई जग जीवन ने थाना कोतवाली देहात में अपने भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर देहात कोतवाली पुलिस ने जाँच शुरू कर दी थी। आज देहात कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ताराचंद पटेल व उनकी टीम इस घटना के संबंध में शनिवार को सुबह 9:30 बजे मृतक की पत्नी व उनके प्रेमी को माहोखर चौराहे से गिरफ्तार किया है। इस मौके पर वाली बात यह थी कि घटनास्थल पर मृतक की पत्नी और उनके प्रेमी ने मिलकर अंजाम दिया था। इस घटना को सड़क किनारे फेंक कर हादसे का रूप दे दिया था। इस खुलासे में के बारे में आप एएसपी ने बताया कि शुक्रवार को देहात कोतवाली क्षेत्र के एक खेत में एक लाश मिली थी, जिसके बाद मुकदमा लिख आरोपी की तलाश की जा रही थी। आज पुलिस ने हत्याओं को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी और इनके प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया था। बताते हैं कि मृतक अपनी पत्नी सुनीता के साथ खेत काटने गया था, जहां पर अंगद की पत्नी सुनीता और सुनीता का प्रेमी प्रेम बाबू दोनों ने मिलकर अंगद को गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा यह हमारे भज्जू सिंह का पुरवा, ये गुरेह का मजरा है, यहाँ पर एक हत्या हुई थी, जिसमें अंगद नाम के व्यक्ति को मरा हुआ पाया गया था, ये सड़क किनारे मिला था। इसमें हमारे जो प्रभारी निरीक्षक हैं वो इस मामले में बाकी सारी चीज़ें कार्यवाही अपने विवेचना की कर रहे थे। इस मामले में हम लोगों ने मुकदमा कायम किया था 44/19, ये 302 IPC का था। इसमें ये पता चला कि जो मृतक की पत्नी सुनीता थी, इनका किसी प्रेम बाबू वर्मा नाम का आदमी था, उनसे इनका परिचय था। प्राइमेटी न्यूज के लिए बांदा से इमरान खान की।